अपने स्रोत से भी जानकारी लेने का काम किया है और सीतामढ़ी के आरक्षी अधीक्षक को कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, ये आप इस मामले की तह तक जांच कराइए और हम लोगों ने जो लोगों से पता करने का काम किया दूरसंचार के माध्यम से, तो उसमें वास्तविकता कुछ और है और वो पत्रकार जो असलियत बता रहा था, दिखा रहा था, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, सच्चाई को पहुंचाना चाह रहा था, तो सच्चाई को दबाने का प्रयास मत करिए। सच्चाई को आप दबाइएगा अगर तो फिर मुश्किल होगा। यहाँ की आम जनता में आक्रोश है, आम लोगों में आक्रोश है कि भाई इस तरह से निर्दोष आदमी को अगर जो सच्चाई बता रहा है, सोशल मीडिया का साथी है, इस तरह से वो काम करता है, उसकी विश्वसनीयता है लोगों में और आप उस पर गलत एलिगेशन लगा के, और हमको तो जानकारी हुई है जो वहाँ पुलिस की पूरी टीम थी 14-15 आदमी पुलिस के थे और एक पत्रकार अकेला आदमी कैसे सभी लोगों के साथ धक्का मुक्की कर सकता है और कैसे कानून तोड़ सकता है। ये तो 353 अब इन लोगों को हथियार मिल गया है, किसी को पकड़ो और 353 लगा के उसको जेल भेज दो। तो आपको सचेत करना चाहते हैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से, या आप इस तरह से निर्दोष लोगों को फंसाना बंद करिए, उन पर कार्रवाई करना बंद करिए और अविलंब उसको रिहा करिए।